हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सलूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट रहेगा। तो आने वाले एग्जाम में एसएससी सीपीओ के हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट से जो कि मैंने आपके सामने रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही सरल हो जाते हैं। तो मेन चीज़ होती है क्वेश्चन को समझो और उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन सेट कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी हो जाता है। तो आज की वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 9 कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू होगी और इस वीडियो के सॉल्यूशन आपको बहुत ही प्यारे और सुंदर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बहुत ही सुंदर और प्यारा सॉल्यूशन आपके सामने। छमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से। देखिए, ब्याज दर वार्षिक है, 10% की दर से है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है छमाही की दर से लगेगा। 15 महीने के लिए 20,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में 1.7 तक प्रतिशत लाभ बताए क्या होगा। तो देखो कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल ईजी आसान। ब्याज दर 10% वार्षिक है, ये इसको छमाही के हिसाब से हमें हाफ ईयरली कंडीशन के अनुसार इस पर ब्याज देखते हैं क्या बनता है। देखो, 6 माह में जब वार्षिक ब्याज दर 10% है, 6 माह की 5% हो जाएगी। हमें ये भी ध्यान रखना है 15 महीने तक कंडीशन बनानी, उसके बाद अगले 6 माह की फिर 5%, तो 12 माह हो गए। 6 माह इसके, 6 इसके 12, और 3 महीने 15 हो जाएंगे ना, तो 3 माह की कितनी होगी, जब 6 माह की 5% है तो 3 माह की 2.5% हो जाएगी। देखिए, ये 3 माह की है, देखो ये 6 माह में 5%, तो 3 माह में 2.5%, यानी 6 का आधा 3, तो 5 का आधा 2.5%। ये अब यहां पर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा जो कि आप सब जानते हैं। देखिए, सक्सेसिव मेथड क्या करता है, दोनों ये दो छमाई बन गई 5-5% की दर से, तो इसकी ट्रिक होती है 5 का वर्ग 25, 5 दूनी 10, 2 अंक छोड़कर 0.5 दूनी 10, 10.25% ये हो गई दोनों की। अब इसके साथ फिर सक्सेसिव मेथड लगाइए, प्लस दोनों की गुणा करेंगे। देखो, 25-25 625, और 25 एकम 25, ये होगी दोनों की गुणा, इनकी 1 और 2 3 अंक छोड़कर तो 0.5 और बटे 100 का और 3 2 5 अंक छोड़कर 0.5 लगेगी, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे और मालूम करेंगे कितना प्रतिशत लाभ होता है। अब देखो, जोड़ने का तरीका भी सिंपल है, 10 2 12 12 तो ये हो गया, 25 और 25 50 और 50, ये हो जाएगा 2 अंकों तक 100, 1 अंक और बढ़ गया 12 में 1, 13 पॉइंट, इधर इनके 2 अंकों की 0 0 हो गई। तो इसने पूछा है महीने के अंत में 1.7 तक प्रतिशत लाभ बताना, तो 0.1 तक 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं 13% का लाभ। देखिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आगे हमने नहीं जोड़ा, बस इतना ही जोड़ा है। तो और वो भी 0.1 तक, बिल्कुल क्लियरली हो गया आपके क्वेश्चन का जवाब, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो तो देखो फ्रेंड, थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर आप चीज़ों को करना सीखेंगे तो आप मैथ में बेस्ट हो जाएंगे, फिर आप में उतना ही दम भर जाएगा, आप उतना ही तेजी से दौड़ने लगोगे क्वेश्चनों में। थोड़ा सुंदर तरीके से सीखो चीज़ों को और फास्ट अपने आप ही बन जाएंगे आप। जब बहुत सुंदर और मजबूती से आपका हाथ पकड़ होगी तो फिर कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी आपसे, पकड़ आपकी मजबूत और अच्छी होनी चाहिए इस तरीके से। अब नया क्वेश्चन देखेंगे और फिर आप तहलका मचाएंगे फिर क्वेश्चनों में। अब देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने, अर्धवार्षिक रूप से मिश्रित 10,000 रुपये को 8% की दर से 17 महीने के लिए निवेश किया जाता है 1.1 स्थान तक हमें निकटतम 17 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ बताना। देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, तो हमें मालूम है वार्षिक दर 8% है, हमें 17 महीने की बनानी है,
तो देखो 6 महीने की 4% हो जाएगी, अगले 6 महीने की भी 4% हो जाएगी, 12 महीने तो ये हो गए, आगे 5 महीने हो रहेगे। 6 महीने की फिर 4% होती है। अब मैंने 6 महीने यहाँ रख दिए, ये 6 महीने इसलिए रख दिए यहाँ पर, यहाँ से 1 महीने की आएगी और बच्चे ये 5 महीने में गुणा कर देंगे तो 5 महीने की ब्याज दर आ जाएगी ये, यहाँ से इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ये 6 महीने की, ये भी 6 महीने की, यहाँ पर मैंने 4/6 महीने लिखे इसलिए क्योंकि मुझे आगे 5 महीने का पता लगाना, तभी तो हमारे 17 महीने होंगे, 6, 6, 12 और 5 महीने ये 17 महीने। तो 17 महीने का हमें प्रतिशत लाभ देखना ब्याज दर से क्या बनता है। अब इसको उसी तरीके से करेंगे, यहाँ सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। देख लीजिए आप, 4 का वर्ग 16, 4 × 2 = 8, 8.16 और प्लस इसके साथ ये वाला यूज कर लेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 10/3 10/3 प्लस सक्सेसिव मेथड, दोनों की गुणा करेंगे। गुणा में ये 0 से 1 अंक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 21.6/3 ये हो जाएगी गुणा इनकी दोनों की। अब हमें 100 से भाग भी देना है, तो ये 10 आगे लग जाएगा यहाँ पर 100 से भाग होने के बाद। और अब इसको हम हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। बटे में यहाँ मैंने 1 लिया, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, बस अब इसको सुंदर तरीके से हल करेंगे। देखो 3 मैंने एलसीएम लिया, 1 × 3 = 3, 8 = 24, 16 × 3 = 24, 24.48 देखो सुंदर तरीके से, देखो मजबूती बनाओ अपनी। प्लस 3 से 3 / 10 रह गया, प्लस 3 से 3 / 0.816। अब इनको जोड़ेंगे सुंदर तरीके से जोड़ेंगे और फिर फिनिश हो जाएगा ये। देखो 24 ये 10 ये 34, 34 35 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखते हैं 24 10 34 34 तो ये है, ये हमारा अलग से लिख लीजिए। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 48 और 81, 48 81 9 8 4 12 1 13 आगे ले लेंगे 35.396 ये आ जाएगा और बटे में 3। अब देखिए बिल्कुल शुद्ध और क्लियर आ जाएगा, 3 × 3 3 × 3 दो बचेंगे हो गए 21 3 7 21 1 3 6 18 3 5 15। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, 1 दशमलव स्थान तक शुद्ध। देखिए यहाँ पर 1 दशमलव, इसका 1 मानकर आगे बढ़ा देंगे, 6 का 1 मान के 8 हो जाएगा, तो 11.8 पूरा बिल्कुल राइट जवाब आपको मिल गया है, देख सकते हो आप 11.8 ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो 11.8 बन जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है 11.8। देखो बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 28,500 रुपये उधार लेता है, यदि पहले वर्ष के अंत में वह 5780 रुपये का भुगतान कर देता है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। सिंपल सा सवाल है, देखो जैसे जैसे लैंग्वेज में बोला है ऐसे ऐसे हमें जवाब देना है। तो 28,500 रुपये है मूलधन जो उधार लिया, 28,500 रुपये का 8% पहले साल का ब्याज देखते हैं कितना बनता है। परसेंट से मैंने 2 0 काटा और 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 64, 4 × 8 = 68, 6 × 8 = 16 और 6 = 22 2280 रुपये का ब्याज। अब 2280 रुपये मूलधन 28,000 और 30,780 मिसधन बनेगा 30,780 रुपये का, जोड़ लेंगे ये इसमें प्लस हो जाएंगे, तो 30,780 रुपये में से उसने 5780 रुपये चुका दिए पहले वर्ष के अंत में, 0005
25,000 रुपये शेष बचे। अब दूसरे वर्ष में शुरू हो गया 25,000 रुपये पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे टोटल अमाउंट हो जाएगा और यही उसको लास्ट में बकाया राशि देनी पड़ेगी ये वाली, और यहीं से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। परसेंट की मैंने 2 जीरो काटी और 10 जीरो 1 लगाई, 25 8 200, 2 जीरो ये 2 हासिल 25 2 27, देखिए 27,000 रुपये देना पड़ेगा वर्ष के अंत में, यानी दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि 27,000 रुपये देना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन बड़ा आसान बताकर सॉल्व कराया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है और हर एक एक क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से सीख जाएंगे। किसी राशि पर एक वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर है, तो देखो एक वर्ष की 12% कह रहा है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से 6% हाफ ईयरली लग गया ब्याज, हाफ ईयरली 6% लगता है, तो एक साल में हाफ ईयरली 2 होती है 6 6, तो यहां पर सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, 6 + 6 + दोनों की गुणा करेंगे, 6 × 36 और 2 अंक छोड़कर दशमलव जोड़ लेंगे, 6 6 12.36%, ये रहा। तो यहां से मुझे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गया है जो लगना है 12.36%, और वो कह रहा है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है उसे उस धनराशि पर 1545 रुपये। तो यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लग गया, ब्याज बराबर ब्याज। तो कितना ब्याज है रुपये में या संख्या में कह सकते हो 1545 रुपये, और परसेंट में हमारा है 12.36% का बटे में 100, और 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो यहाँ लगाई। अब आप देख लीजिए इसको हम कटिंग करेंगे और हमारा मूल धनराशि ज्ञात हो जाएगा। 4 से मैंने काटा इसको 25 बार, 4 × 3 = 12 = 0 = 4 = 36 कटिंग, 309 पंजे होता है, 500 बार कटेगा पूरा 1545, 309 पंजे 1545, 500 बार, 500 की 25 में गुणा करेंगे मूलधन राशि आ जाएगी 25 × 5 = 125 और 2 जीरो ये लगेगी, तो ये आ गया हमारा मूलधन राशि। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये हो गया 12,500 रुपये ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से, मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 7% की दर पर सीआई ज्ञात करना है, जो 7% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 9,450 रुपये का साधारण ब्याज देता है। अब देखो इसको इक्वल टू इक्वल करना है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का है, साधारण ब्याज 3 वर्ष का है, तो इन्हें इक्वल करेंगे, साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का करेंगे तभी हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो 3 वर्ष का ब्याज इतना है, अगर मैं 3 से इसे भाग करूं और 2 से गुणा कर दूं तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले यही जरूरी है इसमें 9,450 रुपये को मैंने 3 से भाग किया, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 15, ये 3150, और इसमें 2 से गुणा करूँ 2 साल का हो जाएगा ये 2 0 0, 2 × 5 = 10, हासिल 1 × 2 = 2 और 1 = 3, 2 × 3 = 6, 6300 रुपया, ये 6300 रुपया साधारण ब्याज हो जाता है। अब देखिए इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो मैथ बहुत ही इजी है, सरल है, बट इसको समझना कठिन है, बस इसको बच्चे समझ नहीं पाते, इसीलिए उनसे मैथ सही प्रॉपर हल नहीं हो पाता। मेन चीज़ यही है और कुछ नहीं है इसमें, और तो वही है कैलकुलेशन जोड़ना, गुना करना, घटा भाग करना बस। अब देखो हमें साधारण ब्याज निकालना है,
एक साल का 7% तो 2 साल का 14% होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज 7% की दर से 2 साल का होता है। सक्सेसिव मेथड कर लीजिए या टेबल वाला रूल लगा लीजिए, 7% की दर से 2 साल का 7×7=49, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7×2=14, ये होता है 2 साल वाले में 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ये बनता है। अगर देखिए बनाने सिखाता हूँ मैं आपको, देखो समय 2 वर्षों और ब्याज दर 7%, तो सी आई की दर बनानी 7/12×49, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 7×2=14 ऐसे। 8% का भी यहाँ बनाना हो 8/64, 8×16, 2 अंक छोड़कर। 9% का बनाना हो 9/81 और 9×18, 2 अंक छोड़कर ऐसे बना लेते हैं। तो मैंने आपको बनाकर दिखाया है, या फिर सक्सेसिव मेथड से बना सकते हो आप। ये कई सारे तरीके होते हैं, आपको आने चाहिए। देखो सक्सेसिव मेथड भी सीख लीजिए, +7 +7 +7×7=49, 2 अंक छोड़कर दशमलव, अब हो गया दिए 7×7=14.49%, ये सक्सेसिव मेथड होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया है चक्रवृद्धि ब्याज 14.49% की दर से सीआई मुझे निकालना है, और इधर मुझे साधारण ब्याज की दर 14% रखनी है, और साधारण ब्याज इधर रखना है, ये 2 साल का 6,300 रुपया। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल हो गया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर इधर है तो चक्रवृद्धि ब्याज इधर, अब अगर इधर साधारण ब्याज की दर होगी तो इधर साधारण ब्याज होगा, मतलब इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, दोनों एक ही धन पर ज्ञात हो रहे हैं, इसीलिए दोनों इक्वल टू इक्वल बन गए। अब हम इसको हल करेंगे, देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा, और मैंने 2 दशमलव से 2 जीरो हटा दी, और मैंने 7×14, और मैंने किया 7×14 = 7/49, क्लियर। अब देखो इकाई अंक मेरा 7×21 एक है, अगर मैं उस एक को 2 से भाग करूँ, 2 इधर से 2 5 10 5 5 आएगा लास्ट डिजिट, देखिए दशमलव के बाद हमारा 5 आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये 5 आएगा। तो अगर मैंने इन दोनों की गुणा करके 2 से भाग किया तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन से भी बचा रहा हूँ, ये टेक्निक होती है इकाई अंक को ही गुणा करके काट करके उसमें ऑप्शन में इकाई अंक को देख लेना, बहुत इजी बहुत आसान, करीब 90% क्वेश्चनों में आप ऐसा 95% क्वेश्चनों में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन बिना सोल्व किए ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दिखाएंगे हम आपको हर एक क्वेश्चन में मिलेगा ये तरीका, आपको कोई 1-2 क्वेश्चन ही होगा जो आपको दिक्कत करेगा, उसको आप पूरा सॉल्यूशन कर लेना। तो हमारा क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बन गया 6520.50, ये वाला। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखिए ये स्टैंडर्ड है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था बच्चों पर मैथ क्यों नहीं आता, इसका रीजन आपने कभी देखा महसूस किया कि हमसे मैथ क्यों नहीं आता, बस पढ़ने लगते हैं, ये सीखिए आप पहले के क्यों नहीं आता, क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमसे मैथ नहीं आता। मैथ न आने का कारण आपको ये है कि आप जो इसके वर्ड है इसकी लैंग्वेज है इसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते, जल्दबाजी कर देते हैं जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनमें, और यह लापरवाही कर देते हैं, जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं उनको आप आसानी से कर देते हैं और आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है वो तो हो गया, लेकिन जो हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो टैग्स पर आधारित होते हैं उनमें आप हमेशा फंस जाते हो, यही वजह है जिसकी वजह से आपसे मैथ ईजी नहीं हो पाता। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आप ऐसे कीजिए कि आप क्वेश्चन को समझो, बस क्वेश्चन समझा आपने मैथ इजी कर लिया, बस यही गेम है इसमें। दूसरे वर्ष के लिए देखो, पहले वर्ष की बात तो गायब कर दी इसने, बात की है दूसरे वर्ष के लिए धन की एक निश्चित राशि पर
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ये है दूसरे वर्ष का, और तीसरे वर्ष का ये है। तो यहाँ से मुझे ब्याज की दर मालूम हो जाएगी, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ये है और तीसरे वर्ष में ये है। तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया कितना ब्याज लगा है, 1320 पर 132 रुपये का ब्याज लगा है, क्योंकि इससे ये 132 रुपये ज़्यादा है। तो 1320 पर 132 रुपये 10% बैठता है, ये 10% का ब्याज दर है ये। ऐसे माइंडेड बनिए आप, ऐसे समझिए इन चीज़ों को। तो वार्षिक ब्याज दर हमारी हो गई 10%, चाहे आप पहले साल लीजिए उसको, दूसरे तीसरे कभी तक कितने ही वर्षों तक यूज कीजिए, फिलहाल हमें मालूम हो गया हमारी वार्षिक ब्याज दर हो गई 10%। अब जैसे कि उसने कहा था दूसरे वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के अंत में हमें जाना, क्योंकि उसने ये कहा दूसरे वर्ष के लिए धन की एक निश्चित राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तीसरे वर्ष के लिए इतना, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूलधन राशि लेनी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूलधन राशि कैसे लेंगे, देखो हमारा ये क्या है, दूसरे वर्ष के अंत का ब्याज है, तो हमें भी दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज लाना है, और ब्याज से ब्याज काट देंगे, मूलधन राशि आ जाएगी पहले वर्ष की शुरुआत की, शुरू में कितनी मूलधन राशि थी। अब देखिए यहां पर इक्वल टू इक्वल ही लगेगा। अब देखो कैसे, ये हो गया हमारा 1320 रुपये ब्याज दूसरे वर्ष के अंत का, पहले वर्ष की हमारी ब्याज दर है 10%, ये तो आपको मालूम है, प्लस दूसरे वर्ष में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। देखो पहले वर्ष तो ये हो गया, अब दूसरे वर्ष की बात आएगी, देखिए दूसरे वर्ष की बात समझाता हूं यहां पर। पहले वर्ष में 10% की ब्याज दर, अब दूसरे वर्ष में 10% तो ये रहेगा, प्लस पिछले ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 10 पर 10%, परसेंट से परसेंट एक, 1% बच गया हमारा, ये हो गया 10 का 10% एक होता है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, दस परसेंट का 10%, 10% का 10%, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 1% हो गया। तो देखिए दूसरे वर्ष में 10 ये हो गया, 1 ये 11% हो गया। ये बात दूसरे वर्ष की कर रहा है यहाँ पर, तो दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, तो दूसरे वर्ष में हमारा 11% का चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और 11 से मैंने इसे काटा, 11 एकम 11, 2 11 2 22 और 3 जीरो ये लगी, ये आ गया मूलधन राशि, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ये रहा। तो देखिए ऐसे आपको समझना है, आप अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो आप पर मैथ नहीं आएगा, और आप अच्छी तरीके से देखें इन सब चीज़ों को, बड़ा आसान और ईजी होता है ये। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने, 2 वर्ष में 24,000 रुपए पर ब्याज ज्ञात करना है, जब दरें 8% और 10% प्रति वर्ष 2 कर्मिक वर्षों के लिए होती है। देखिए 2 कर्मिक वर्षों के लिए, तो यहां पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं 2 कर्मिक वर्षों के लिए, और हमें ब्याज ज्ञात करना है 24,000 रुपए पर। चलिए देख लीजिए, ब्याज ज्ञात करेंगे 24,000 रुपये पर, ऐसे यहाँ से हमें सक्सेसिव मेथड बनाएंगे। देखो 8% 10% और प्लस 10 अटे 80, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, कितना हो गया 18.8%। यह यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ब्याज निकालना 18.80%। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी और 1 दशमलव से 1 जीरो हटी, तो इधर रह गया 188,
24 गुणा 188, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो देखो क्या बनता है, 832, इकाई अंक दो आ रहा है। तो देख लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कैलकुलेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा, बस इकाई अंकों की गुणा कीजिए, मालूम हो जाएगा तुरंत एकदम, ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4512 रुपये। तो लिख दीजिए 4512 रुपये, तुरंत हमें जवाब मिलेगा। तो ये टेक्निक यूज कीजिए, आप इनके गुणा में मत टाइम वेस्ट कीजिए, आप गुणा करते रहेंगे, आप पर गुणा आती है बट हमें वहाँ देखने से टाइम थोड़ा ही ना वेस्ट करना, हमें को तो मालूम कर लेना आंसर क्या बनेगा, बस इतना आप कीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 वर्षों में 1460 रुपये और 3 वर्षों में 1606 रुपये बन जाता है तो कितना ब्याज लग गया भैया, 140 रुपये ब्याज लग जाता है। देखो 1460 से 1606 रुपये, 140 रुपये का ब्याज लगता है एक साल के अंदर। तो 1460 पर 140 रुपये का ब्याज 10% बनता है, तो यही हमारी ब्याज दर होगी। पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर बताएं, तो वार्षिक ब्याज दर आ गई 10%। तुरंत आप डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपको इतना माइंड होना चाहिए और इतनी मेहनत होनी भी चाहिए जब आप SSC CPO SI दिल्ली पुलिस SI में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इतनी नॉलेज इतना ज्ञान तो आपके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए कि आप फटाफट इतने से इतना तुरंत बता दें। लेकिन अगर नहीं मालूम तो हम फिर भी आपको बता देंगे, देखिए कैसे इक्वल टू इक्वल से ही कर सकते हैं इसको। 1460 रुपये पर हमारा ब्याज 140 रुपये है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लीजिए, 1460 से 1460 यहाँ तक कट गया एक बार और ये वाली जीरो यहाँ लगेगी, 10% आ गया। देखिए लीजिए, हमने आपको करके भी दिखाया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 10% वार्षिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने, मूलधन दिया है 40,000 रुपये की राशि पर किस दर से 2 वर्षों में मिश्रधन 44,100 रुपये हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगा हो, तो वह ब्याज दर परसेंट हमें ज्ञात करनी है। तो हम एक कॉन्सेप्ट बताया करते हैं कि जब मूलधन राशि और अमाउंट राशि आ जाए तो उसमें ये देखते हैं, अगर समय 2 वर्ष है तो ये वर्ग वाली संख्या होती है हमेशा, और अगर समय 3 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या नहीं होती, फिर घन वाली संख्या होगी ये हमेशा। लेकिन ये नियम कब लगता है, जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए, चक्रवृद्धि ब्याज में जब मूलधन और मिश्रधन आ जाए, अगर समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या होगी, अगर समय 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या होगी। तो फिलहाल यहाँ पर वर्ग वाली संख्या है क्योंकि समय 2 वर्ष है। अब देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, अब ये 400 है, ये 441, तो ये 20 का वर्ग है और ये 21 का, तो 20 से 21 इसका मतलब हुआ 20 पर 1 का ब्याज, तो 20 पर 1 का ब्याज मतलब 5% ब्याज दर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देख लीजिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। देखो बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है करके, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10, देखो किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष बाद इतना रुपया और 6 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है, पहले मामले में इसी धनराशि पर CI ज्ञात करो। कभी कभी इसी धनराशि पर मूलधन राशि भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर मूलधन राशि न पूछकर CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं इस प्रकार के सवालों में, यहाँ पर 3 वर्ष के बाद 6 वर्ष या 2 वर्ष के बाद 4 वर्ष में ऐसा कुछ आता है ये वर्षों में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 वर्ष बाद राशि 35,680 से 6 वर्ष में हो जाती है 53,520, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं काट कर, तो ये हमेशा
इससे डेढ़ गुना होता है, यानी कि दो और तीन के रेशों में कटता है, हमेशा दो और तीन के रेशों में कटता है, चाहे आप कटिंग करके देख लीजिए। चलिए हम कटिंग करके दिखाते हैं आपको। 35680 से 53520, जीरो से जीरो काटा, अब देखिए दो से काटेंगे, दो एकम दो सते 14, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो दुनी 4, दो छिक 12, दो 14, दो छिक 12, फिर कटिंग होगा, करके दिखा रहे हैं, दो अट्ठे 16, एक दो नम 18, दो दुनी 4, दो से 13 बार, दो तीये 6, दो अट्ठे 16, दो से और काटेंगे, दो चौक 8 और दो चौक 8, दो छिक 12, यह चार से काट लीजिए, चार दुनी 8, चार दुनी 8, चार ते 12, चार ते 12, चार ते 12, चार ते 12, ये नहीं कटा, चार से दो से ही कटेगा, दो चौक 8, दो चौक 8, दो छिक 12, देखिए दो चौक 8, दो चौक 8, दो छिक 12, दो छिक 12, दो छिक 12, दो नम्बर 18, ये। अब जब हम इससे इसे काटेंगे तो ये डेढ़ बार काटेगा इसको, देखो कैसे, 44 से इसे भाग करेंगे हम, 440 से इसे भाग करेंगे, 669 बार, तो एक बार चलेगी माननी, 440, 3, 2, 2, दशमलव लगाकर यहाँ पर जीरो लगाएंगे, पांच बार मारनी चलाएंगे, 5 6 30 3 5 24 3 23 2 5 24 2 22, देखिए कट गया ना पूरा डेढ़ बार। तो ये चीज़ें हमेशा आपको करके नहीं देखनी है बार बार, जैसे मैंने तो आपको प्रूफ करके दिखाया है, मैंने तो आपको प्रूफ करके दिखाया है, बट आपको डायरेक्ट कर देना एग्जाम में ऐसे, आप बस इसको ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट को, तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जब ये आ जाए तो हमें मालूम होता है, जब ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो हमारा ब्याज लगता है 2 से 3 1 का ब्याज लगता है, तो 1 का ब्याज लगता है। अब हम कैसे ब्याज लगाएंगे ये बताते हैं, देखिए 35680 बराबर लिखेंगे इसके 3 के और गुणा 1 करेंगे, ये वाला 1 का जो ब्याज है सी आई 1 की गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमें सी आई ज्ञात हो जाएगा। 3 से कटिंग करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3, 2 3 8 24, 3 9 27, 3 3 9, ऐसे 11 और 3 5 15.5 के लगभग 11893, देखिए 11893 ऑप्शन बी, तो हमारा 11893 आ जाएगा, 11893, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ऐसे सीखने हैं ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। एक धनराशि के लिए ब्याज की निश्चित दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए प्राप्त होने वाला सी आई क्रमशः 3300 से 3630 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक सबसे पहले ब्याज की दर ज्ञात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, ब्याज की दर कितनी बनेगी, यहाँ पर हम 3300 रुपये से कितना धन हो गया 3630 रुपया, 3630, जीरो से जीरो आप देखिए 3630 हो रहा है, तो ब्याज कितना बन रहा है, जीरो में से जीरो घटाएंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 36 में 33 घटाएंगे 3, 330 रुपया का ब्याज। अब 3300 का 330 कितना होता है, 10% होता है, तो 10% वार्षिक ब्याज दर होगी। अब देखिए ये जो ब्याज है 3300 रुपये दूसरे वर्ष के अंत में है, तो दूसरे वर्ष के अंत में 3300 रुपये ब्याज है, तो हमारा दूसरे वर्ष के अंत में 11% हो जाएगा ब्याज। क्यों, देखिए पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 10% प्लस पिछले 10% पर 10% 1% और बढ़ जाएगा, तो 11% हो जाता है।
पिछले साल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो 11% के बराबर ये हो गया। अगर मैं इससे इसे काटता हूँ मूलधन आ जाएगा, लेकिन वह मूलधन राशि नहीं पूछ रहा है। वह कह रहा है ढाई वर्ष में वही धनराशि जो मैं यहाँ से यहाँ काटूंगा उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से इसी ब्याज दर से कितना धन हो जाएगा, अमाउंट पूछा है। तो देखिए इधर पर परसेंट में अमाउंट बढ़ाऊंगा, देखो 10% की दर से ढाई वर्ष की सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे, दो वर्ष की तो 21% हो जाएगी प्लस आधे वर्ष की 5% हो जाएगी, 10 का 5 होता है आधा, प्लस दोनों की गुणा 21 × 5 = 105, दो अंक छोड़कर दशमलव, ये कितना हो गया जोड़िए 21 × 26 = 27.05%, ये CI ब्याज दर बनी है। लेकिन हमसे पूछा है अमाउंट, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 127.05%, इधर हो जाएगा हमारा अमाउंट। अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को हल कर देंगे आराम से। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से मैंने 20 हटाया, 2 दशमलव हटाकर मैंने 20 नीचे लगाया, 11 × 3 = 33, 3 बार कटा। और अब आप क्या करेंगे, 25 × 4 = 100, 4 बार कटा, 25 × 5 = 125, देखिए 25 × 5 = 125, 2 0 लगाएंगे हो गया कितना, देखिए 25 × 100, 25 × 5 = 125, 2 हो गए 20, माननी नहीं चलेगी, 0 लगा कर 205, 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ एक चीज़ हो रहा है, एक मिस्टेक रह गई यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये परसेंट मैंने हटाया नहीं, इसको दोबारा नोट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखो दोबारा देखो, इधर 11% बराबर हो गया 3300 रुपये, और इस पर मैंने 127.05% का अमाउंट बनाया, इधर भी अमाउंट मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, 2 0 से 2 दशमलव हटाया, क्लियर। अब देखो आसान हो जाएगा, 11 × 3 = 33, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15, पूरा 15 लिखो, 3 × 7 = 21, हासिल 2 × 12 = 36 और 2 = 38, देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया आसानी से। जब हमने परसेंट नहीं काटा मतलब ध्यान नहीं रहा, इस वजह से हमारा आंसर नहीं बन रहा था, तो हमने ध्यान दिया और मालूम कर लिया तो क्वेश्चन आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट, देखो क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक। अब देखिए 12% वार्षिक का मतलब है एक महीने की 1% का ब्याज लगता है, 12 महीने का 12%। अब यहाँ पर हमारा 16 महीने बैठ गया, एक वर्ष में 12 महीने, 1/3 में 4 महीने, 12 × 4 = 16 महीने, 16 महीने का 16% ब्याज बनता है, लेकिन 8 मासिक का 8% ब्याज दर बनेगा और 16 महीनों में 8% दो बार आएगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे, +8 + 8 = 64, 2 अंक छोड़ कर दशमलव, 16.64% का सक्सेसिव मेथड चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है इस धनराशि पर, लीजिए 37,500 रुपये का 16.64%। अब देखो मैंने 20 से ये हटाया, परसेंट से 20, अब 2 दशमलव से मैंने 20 इधर लगाई, 25 × 25 = 12, 25 × 5 = 125, 4 × 100, 4 × 16 = 4 × 4 = 24, कटिंग 15 × 6 = 90, 0 आ गया 9, 15 × 9 = 24, हासिल लगे 2, 15 × 60 = 62, देखिए 62,40 रुपये, तो 62,40 रुपये ऑप्शन बी इज राइट।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6240। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 5000 रुपए की धनराशि निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 रुपए की धनराशि पर कितना ब्याज होगा? अब देखिए, जैसे यहाँ 4 वर्ष में पूछा गया है और यहाँ 8 वर्ष में इतनी धनराशि हो जाती है, तो देखिए मैंने बताया था जब मूलधन राशि और अमाउंट राशि आ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर समय 2 वर्ष बनता है तो वर्ग वाली संख्या, क्लियर? अब दो कंडीशन कैसे बनेगी, देखो 4 वर्ष के बराबर होगा 1 वर्ष, 1 ईयर, और 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा 2 ईयर, ऐसे। तो इसकी वजह से बताया मैंने आपको, इसकी वजह से बना ये यहाँ 8 वर्ष में, तो इसका मतलब 2 ईयर है, तो वर्ग वाली संख्या बनेगी यहाँ पर। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 2 से मैंने इसको 25 बार काटा और 2 से मैंने इसको 36 बार काटा, ये अमाउंट है। तो ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, तो 5 पर 1 का ब्याज मतलब 20% ब्याज दर होगी, क्लियर? अब हमें ये 20% ब्याज दर होगी, तो 4 वर्ष में 1 साल की 20% बन गई, तो यानी 4 वर्ष में 20% की ब्याज दर इस पर 6550 रुपये की धनराशि पर ब्याज पूछा है, तो 6550 रुपये का 20% ब्याज ज्ञात कर लेंगे, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम इसको हल करेंगे, परसेंट से 1 जीरो, 1 ये कटी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 6 12 और 1 13, 1310 रुपये, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। अब ये वाला क्वेश्चन भी हल करेंगे, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21% बैठता है, 2 वर्ष के लिए 21%, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है ये, तो वही तरीका इक्वल 15 22.50 बराबर हो गया 21% ब्याज। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, 2% से 2 हम छोड़कर हटा देंगे, ये दशमलव 21 से काटेंगे, 21 7 147 और कितना बचेगा, 152 में से 147 घटाएंगे, 12 में से 7 घटाएंगे 5, उतारेंगे 2, 21 2 42, 10, 21 5 105 और 0, ये आ गया इससे कटने के बाद, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 7250 रुपये, ऑप्शन ए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, एक्स रुपए की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतने रुपए में इस धन के रूप में प्राप्त हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर हो, तो एक्स का मान बताइए यानी कि मूलधन राशि बताए। अब देखो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, और 8 मासिक के आधार पर 3 8 मासिक हो जाएंगे, और 15% वार्षिक को 8 मासिक के आधार पर 10% बनानी है, यहाँ पर बनाएंगे 15% को 8 मासिक, वैसे ये 12 महीनों की है 15% वार्षिक, तो 8 मासिक के आधार पर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और 4 2 8, 4 3 12, 3 5 15, 5 2 10, 10% 8 मासिक होगी, और 3 8 मासिक होगी, तो 10% की दर से 3 8 मासिक हो गया, CI ब्याज दर होगी 33.1। अब हमें अमाउंट बनाना, जो कि यहाँ पर अमाउंट दिया है, तो अमाउंट बराबर अमाउंट करेंगे 12 777.60 बराबर,
100 में जोड़कर लिखेंगे 133.1%। अब देखिए यहाँ से हमें अमाउंट बराबर अमाउंट, परसेंट से मैंने दो अंक छोड़कर दशमलव हटाया और एक दशमलव की एक जीरो और लगाई। अब देखो लास्ट में दो जीरो तो लाजमी है आना, यहाँ पर दो 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 सम में है, लेकिन मेन बात है इससे इसे काटना। देखिए 13 9 117, 9 बार कटेगा और एक छिक्का 6 9 और 6, तो इससे हमने इसे काटा 9600 बार। ऑप्शन ए इज राइट। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान और बड़ा इजी ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 16, इसको भी बहुत सुंदर तरीके से और आसान बनाएंगे हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में इतनी ब्याज की दर बताए। लीजिए आसान बिल्कुल, 4 से 5 एक साल में ब्याज हो गया 7562 रुपये पर, ब्याज लिखता हूँ इधर 44 पैसे, तो ये होगा ही 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 14 में से 5 घटाएंगे 9, 7 में से 7 कुछ नहीं। क्लियर? अब देखो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 दशमलव हट गई। अब देखो काटते हैं इसको, 2 दुनी 4 और 7 एकम 7, यानी कि इससे ये पूरा 12 बार कट जाएगा, 2 दुनी और 1 12%, बिल्कुल 100% ये रहा। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। सीख लीजिए, बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन चल रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, किसी धन पर 17% की ब्याज दर से 2 वर्ष का CIF और SI का अंतर दिया है तो मूलधन राशि बतानी है। तो देखिए 2 वर्ष का CIF SI का अंतर, तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है, ब्याज दर का वर्ग करें और 2 अंक छोड़कर दशमलव, 17 का वर्ग करेंगे 289, 2 अंक छोड़कर दशमलव पीछे की ओर से, ये ट्रिक होती है। या फिर सिंपल तरीके से देखिए CIF SI का अंतर दिखाते हैं। साधारण ब्याज हर साल बराबर रहेगा, एक साल का 17 2 का हो गया 34%, और ये क्या होगा, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे इसमें, 17 प्लस 17 प्लस 17 का 289, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 17 17 34 2 36.89, ये हो गया 36.89, दोनों का अंतर हो गया 2.89%। अब मैंने यही तो बताया था 2.89, 6 डायरेक्ट कर दो 17 का वर्ग, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये रहा 6, ऐसे कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया। तो हमारा CIF SI का दोनों का अंतर आ गया 2.89%, और यहाँ अंतर दिया है उसने 43.50। देखो दशमलव से ये 2 दशमलव से 2 दशमलव हटी, परसेंट की 2 जीरो लगी है। अब देखो 28 एकम 28 और 9 पंजे 45, 9 पंजे, यानी कुल मिलाकर ये 15 बार कट रहा और 3 जीरो ही है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो वह मूलधन राशि थी 15,000 रुपये। अब ये भी वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसमें भी मूलधन राशि बनानी है हमें, 15,000 रुपये मूलधन राशि है इसकी भी, सेम सवाल है, तो यहाँ भी मूलधन राशि 15,000 रुपये होगी। अब उसने पूछा है इस मूलधन राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें इस पर, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे यहाँ पर, 17 का वर्ग 289 हासिल दो, 17 दुनी 34 और 2 36, ये हो गया 36.89%, 36.89%, ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो मैंने क्या करा, 2 दशमलव से 2 जीरो 28, परसेंट से मैंने 2 जीरो नीचे लगाई, 50 150 50 दुनी 100। अब मैंने क्या किया, 2 से 18 2 चौका 8 2 चौका 2 5 10 ऐसे,
तीन की गुणा कर दी मैंने, तीन पंजे पंद्रह हासिल है, तीन चौक बारह तेरह, चौक बारह तेरह, बाद में दशमलव से पहले तीन तीन देख लो ये रहा। तो बस यही आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, पचपन तैंतीस पॉइंट पाँच जीरो ये रहा। बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, सी आई ज्ञात हो गया हमें।